Yeah. ज़बरदस्त बना मसाला से, बहुत मतलब लाइट लाइट भी लग रहा है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा बेहतरीन बना है। तो आप लोग भी पूरी रेसिपी एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम वालदा, क्या बना रही हैं आप आज? वालेकुम अस्सलाम। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव और टमाटर आलू का सालन। सही है, जो सी पूरी रेसिपी निकाली है, आप कैसे बना रही हैं? ये पहले हमने ना आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाए हुए एक तरफ, ठीक है? ये आलू बॉईल हो रहे हैं, इसको हम बॉईल होने दें। दूसरे जो मटर पुलाव के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए देखें, मटर पुलाव के लिए आपने पतीली में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया ये मटर पुलाव। हाँ, मटर पुलाव के लिए ये है दालचीनी, जिसको सिनेमन बोलते हैं। आपने थोड़ी सी स्टिक्स सिनेमन की, इसमें सिनेमन के आपने ना 6-7 स्टिक्स आपने इसमें डालनी है। थोड़ी सी आपने लौंग ऐड की है, थोड़ा सा आपने इसमें काली मिर्च 8-10 दाने काली मिर्च के ऐड किए हैं, 1-2 आपने ये आपने वो है बड़ी इलायची, ठीक है? जो है ना थोड़ा सा ये हो जाए ज़रा अपना, इसमें आपको जब इसकी वो आने लग जाए ना, खुशबू आने लग जाए, फिर आपने उसके बाद इसमें ये दो, मैंने बल्कि 2 ज़्यादा हैं, इसमें आप ऐड कर दें 1 प्याज आपने, हाँ ऐड कर दी, ठीक है? मैंने ना सिर्फ वाइट रहने देना है, फ्राई नहीं करना, हल्के से इसको सौते करना है। हल्का सा आप इसको सौते करें कि बस अपना थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए प्याज। हाँ, बस ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना होता है, इसको सिर्फ वाइट रहने देना होता है, बस हल्का सा वो करना होता है कि वाइट रहिए। अभी ऐड करना है थोड़ा सा ना, उस वक्त हम ज़ीरा ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब, एक टी स्पून आपने ज़ीरा ऐड कर लिया। सही है, ये इसमें मटर डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्ला वैसे शुरू में ही पड़ी थी। चलें, अब आपने इसमें ये डाल दी। अच्छा, अब आपने ना इधर हरी मिर्च की कटिंग करें, ये इसमें डालने के लिए हरी मिर्च की कटिंग। हाँ, ज़रूरी है। हाँ, हरी मिर्च ही डलती है इसमें, और कुछ नहीं डलेगा ना। हाँ, इसमें साबुत आपने हरी मिर्च नहीं डालनी है, इसमें आपने कट करके ऐसे डालनी है। सही है, आप 4 हरी मिर्च डालिए, तो वो इसलिए कि हम इसमें और कोई लाल मिर्च वगैरह तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ हरी मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये आपने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी। अच्छा, पानी नहीं डालना अभी आपने। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, अब ये इसमें आपने पानी थोड़ा सा ऐड करना है कि आपके मटर जो हैं वो गल जाएँ। सही है, थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है इस पर, 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें, ताकि आपके ये मटर पकते रहें। अपने आलू चेक कर लें कि आलू आपके हो गए। हाँ, आलू आपके हो गए। सही है, अब हम आलूओं को उतार लेते हैं, बना रहे हैं ना आलू का सालन जो बना रहे हैं। पानी इसका फेंक दिया। हाँ, ये कढ़ाई चढ़ा दिए, ठीक है, कढ़ाई। अच्छा, अब आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, 2 से 4 टेबल स्पून है, ठीक है? अब ये आपने डाला है 6 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें ऑयल ऐड किया है। हाँ, ऑयल डाला, उसके बाद आपने ये प्याज थोड़ा सा डालना है बस खाली। सही है, ये 3 थे ओनियन, जिसमें से आपने 1 तो आपने उसमें डाला मटर पुलाव में, और 3 आपने इसमें डाल दिए। सही है, अब आपने हल्का सा उसको ब्राउन करना है, इसके लिए प्याज को आपने ब्राउन करना है, ठीक है? इसको आपने ब्राउन करना है हल्का सा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दें, मेरा ये ब्राउन हो जाएगा, 5 मिनट्स के अंदर ब्राउन हो जाएगा अंदाज़ा है। अब 1 टी स्पून है आपने ज़ीरा ऐड किया, ठीक है, और इसमें 1/2 टी स्पून आपने कलौंजी डाल दी, आधा हो गया, उस वक्त मैंने कम ली थी थोड़ी, ठीक है? और अब इसके बाद फौरन आपने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करना है। ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है लहसुन हमारा, 2 टेबल स्पून, हाँ 2 टेबल स्पून है, और ये 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना अदरक है। अच्छा, ये हमारी ना हल्दी हम लोग घर में पीसते हैं, कच्ची हल्दी पिसी हुई है, ये भी 2 टेबल स्पून के करीब है। अच्छा, पाउडर वाली हो तो पाउडर वाली भी डाल दें, पाउडर वाली डाल दें, वो 1 टेबल स्पून के करीब डाल दें, 1 टी स्पून, सॉरी, हाँ ये 2 कच्ची होती है ना ये। इसको हल्का सा आपने ना लहसुन अदरक को और इनको हल्दी जब तक ये थोड़ी भून लें इसको, उसके बाद फिर आपने ये टमाटर ऐड कर, खुद ही मेल्ट हो जाएंगे, भूनने की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने 1 kg से ज़्यादा हैं टमाटर, इसलिए कि इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं, ठीक है?
ये आपने इसमें ऐड करे। अच्छा अब टमाटर गलने के लिए ना, अच्छा आप दूसरी तरफ इसको आप थोड़ा सा टमाटर गलने के लिए छोड़ दें। अब हम आते, ये हमारे हो गए रेडी मटर, ठीक है। अब अरे एक मिनट रुक, इधर चावल के लिए आपने इसमें 2 गिलास हमारे चावल है, तो आपने ये 3 गिलास के करीब आपने पानी लेना है, ठीक है। ये दूसरा गिलास और ये हमारा 3 गिलास से के करीब थोड़ा सा, बस ये हमारे हो गए पूरे 3 गिलास इसमें पानी हो गया। सिरका ऐड करना है, 3 से 4 टेबल स्पून डालना है इसमें, ठीक है। अपने हाँ सिरके से, हाँ सिरके से जो है ना ज़रा इसका चावल खिले खिले रहते हैं। अच्छा अब आपने इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट, सॉल्ट इसमें आपने 2 टीस्पून डाल देना बस। इसी के हमारे हैं 2 गिलास के करीब चावल हैं जो कि 1/2 kg के करीब होते हैं। अच्छा अच्छा ये ना हम ना अदरक डालना इसमें भूल गए थे, ये उसी वक्त डालना था, तो अब आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं बॉयल के टाइम ना, कोई मसला नहीं है। हाँ अदरक ये हो गया, टमाटर गल जाए अच्छे से, आलू तो ऑलरेडी बॉयल हुए हैं ना इस वजह से, बस अभी टमाटर में हमने जो मसाले ना वो और बाद में ऐड करने हैं, अभी नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये हमने ना 2 गिलास चावल, 2 गिलास के करीब चावल लिए थे और ये हमने भिगो दिया था 1/2 घंटा, सही है। अब भिगोने के बाद अब आपने इसको इनके अंदर डाल देना है। नहीं बस इसके अंदर जो ऐड करना था हो गया, हाँ सब हो गया इसके अंदर ऐड, जो भी ऐड करना था। अब इसके ऊपर हम ज़रा ढक्कन दे देते हैं इसको ना, आप ना 10-15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ना आप तेज़ हल्की सी मीडियम आंच पे ना इसको ढक्कन लगा के छोड़ दें ताकि आपके चावल गल जाएं। आलू को पील करके ना, आलू को कटिंग कर लेते हैं सालन के लिए, टमाटर में जो सालन में डालेंगे। ओह अच्छा ये ना सॉरी छोटे हमारे रह गए, ये थोड़े से टमाटर हम और ऐड कर लेते हैं। हाँ बस थोड़े से रह गए थे, मैंने कहा बच्चे में क्या करना, हाँ क्या करना। अच्छा ये हमने ना आलू जो है ना बॉयल हुए हुए थे उसकी हमने उसको छील लिया है, उसको पील करने के बाद ये हम इसको काट रहे हैं, सही है। इसकी कटिंग है, इसकी आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटने, बस मोटे मोटे आपने काटने। अच्छा अब आप इसको देखें, अपने आपने चावलों को आपने छोड़ा हुआ था, हाँ बस आपके चावल रेडी हैं। अब आपने बिल्कुल इसको हल्की आँच पे अपने चावलों को छोड़ देना है दम पे, सही है। दम पे, हाँ दम पे छोड़ दें इसको हल्की आँच पे। अच्छा बिल्कुल देखें खुशबू मामा बहुत टाइट आ रही है, जीरो पे आपने कर दिए, माशाल्लाह जीरो पे आप कर दें और ये आप इसके ऊपर वेट रख दें, हाँ वेट आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप वेट दम पे आते हैं ना बेटा, स्टीम बनता है ना, स्टीम फिर बाहर निकल जाता है। अच्छा अब आपने ये इसमें टमाटरों में ना 1 गिलास के करीब आपने पानी ऐड कर दिया, हाँ। अच्छा अब पानी ऐड करने के बाद ना आपने सिर्फ हमारे रेड चिली रह गई थी इसमें, वो भी हमने 1 टेबल स्पून के करीब डालनी है, ठीक है। सिर्फ पेपरिका, पेपरिका पाउडर है ये, पेपरिका सही है, पेपरिका होती है कलर के लिए, कलर है, हाँ। अच्छा आपने अभी ना इसमें टमाटर गले नहीं है इसलिए आपने नमक ऐड नहीं करना। अच्छा। अगर आप सॉल्ट पहले ऐड कर दोगे ना तो आपके टमाटर गलते बहुत देर में, ठीक है। हाँ फिर आपने इसलिए इसको आपने इसी तरह छोड़ देना, ठीक है। अभी आपने इसको इसी तरह छोड़ देना। आलू आपके हो गए, अच्छा अब आप इसके लिए हरी मिर्चें, हाँ इसलिए पेपरिका तेज़ नहीं होती ना, वो सिर्फ कलर के लिए दी जाती है, और आपने इसकी जो लिए ना इसकी तेज़ी के लिए हरी मिर्चें आपने काटनी है, ठीक है। सही है, डालें हम अपने हिसाब से डालें, हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते खाना, हम नॉर्मल मिर्चें खाते हैं, ठीक है। 5 मिनट हो गए हैं कम से कम, अपना इसके अंदर हम आलू को टमाटर को ज़रा आप इससे यूँ कर दें और आलू भी साथ, हाँ वो तोड़ देना आलू टमाटर, हाँ इसके अंदर आपने ये हरी मिर्च ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए हरी मिर्च का, सही है। और इसके बाद आपने ये, अच्छा कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो ना तो आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं पुदीना, मेरे पास रखा हुआ है पुदीना। अच्छा ये आपने आलू बॉयल किए हुए सारे इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अभी है ना इसकी थोड़ी देर के बाद पकने के बाद टमाटर गलेंगे ना इसकी फिर शक्ल निकलेगी, सही। अभी इसको 10 मिनट के लिए 15 मिनट, हाँ ये देखें कितना टेस्टी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी,
अगर आप इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी अगर स्टार्ट में ऐड कर देते ना तो इसकी जो है ना खुशबू बहुत आउटस्टैंडिंग, अभी जो खुशबू आ रही है ना इसकी, और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे ना फिर आपको इसका टेस्ट का आइडिया। अच्छा, आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, आपने स्किप नहीं करना। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एंड तक समझ आएगी सही रेसिपी क्या है। और हमारी फाइनल जो है ना इसकी लुक आपको मैं दिखाऊंगी। और इसको 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दें पकने के लिए, ठीक है? 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने। अच्छा, अब पुलाव की तरफ हम जाते हैं। पुलाव हमारा, अच्छा अब वो क्या कहते हैं, अच्छा अब ये देखें हमारे हो गए राइस जो हैं पूरे माशाल्लाह से आपके वो हो गए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए ना इसको और दम पे छोड़ें आप। चावल हमने ना, ये नया चावल है तो इसको आपने ना कम भिगोना है, लेकिन ना नए चावल को कम भिगो, मुगल राइस थे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए ना, अभी दम पे आए नहीं है चावल, हमने जल्दी वो करते थे, इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें, ठीक है? और ये जो है ना अभी इसको आपने हल्की इंच आँच पे ना, आप इतने फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए छोड़ दें। चलें अब हम इसके अंदर जो है ना सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। अब टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, इसके अंदर 2 चम्मच के करीब टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड किया। अच्छा, इसको जो है ना आपने ग्रेवी अगर रखनी है ना, मैं हम लोग तो ग्रेवी पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मतलब गाढ़ा भी पसंद करते हैं, किसी को गाढ़ा पसंद होता है लेकिन हमें ग्रेवी पसंद है। तो मैं ग्रेवी के लिए ना इसके अंदर पानी और ऐड कर लेती हूँ। बस पानी ऐड करके ना ज़रा थोड़ा सा इसको ना बस दम पे छोड़ देंगे और ये 5 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये बस हमारा फिनिश हो गया है, हमारा इसमें सॉल्ट ऐड हो गया। सॉल्ट ऐड होने के बाद बस 5 मिनट के लिए इसको आपने सिर्फ दम पे रखना है। तो आप चावल, आप देखें चावल हमारे रेडी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, चावल हमारे रेडी हैं, ठीक है? बस अब चावल आपने बंद कर। तो व्यूअर्स अभी टेस्ट करते हैं, और जब मामा ने मीठी चटनी भी बनाई हुई थी तो अभी देखते हैं, इसे डालते हैं आलू बुखारे की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना रायता भी डालते हैं। मैंने रायता डाल के खाया था, बड़ा जम नहीं लगा था। यह पहला आपके भाई वाला बनाता है, बड़ा बेहतरीन। ये आलू ले लिया, सही है। ये देखें मटर भी ले लें थोड़ा, और ये मीठी चटनी भी थोड़ी ऐड करें इसमें। चलो भाई, ट्रू व्यू दूँगा एकदम बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबरदस्त बना मसाला से, और ये चलने वाला ले चलते बता देता आप तो भाई मजाक नहीं कर रहा देगा। ज़बरदस्त बना मसाला से, बहुत मतलब लाइट लाइट भी लग रहा है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा बेहतरीन बना है। तो आप लोग भी पूरी रेसिपी एंड देखी है, अगर पूरी रेसिपी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आए कैसे बना है। और बड़ी मेहनत की हमने ये भी बनाने के लिए आप लोग के लिए, और आप लोग कराए जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मेरे जे मामा के किचन जो सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो जो ज़रूर कर दिए जा रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।